जनपद मैनपुरी के किशनी के पास ग्राम ढंडोस में ग्राम प्रधान व सफाई कर्मी पर लगाया गया आरोप। काफी समय पहले से नहीं आया सफाई कर्मी, नालियों में भरा कचरा, कचरे से भरी नालियां, चल रही खड़ंजों के ऊपर से। उधर कोरोना महामारी से लोग पहले से ही भयभीत हैं और अब डेंगू का कहर भी जारी है। गरीब जनता बहुत परेशान है। सरकार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द गंदगी से निजात दिलाया जाए। कई लोग गरीबी से पीड़ित हैं और झोपड़ी में रह रहे हैं। कई बरसों से प्रधान ने कोई भी कॉलोनी, कोई भी आवास नहीं दिया है। आवास मांगने से पहले ग्राम प्रधान पैसे की मांग करता है, किसी से 15,000 तो किसी से 5,000, तो किसी को आश्वासन देकर खेतों में काम करवाता है। गरीब पीड़ितों का कहना है कि हमारे घर आकर टीम जांच करे। संदेश। संदेश, क्या पिताजी का नाम क्या है? श्री चेतराम। अच्छा, गांव का नाम? रड़ौस। अच्छा संदेश, क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, हमारे यहाँ जो नालियाँ हैं, ये नालियाँ बिल्कुल आज से 20 साल पहले बनी हुई थी, जब से कोई मरम्मत नहीं हुई है और डेंगू का कहर चल रहा है। और बच्चों को हो जाए या और किसी को हो जाते हैं डेंगू, और ये मच्छर इतने नाली नहीं टूटी है, नाली बिल्कुल, ये आप वीडियो दिखा दो, ये नाली। राजू। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? श्री रामेश्वर जैन। श्री रामेश्वर जैन। अच्छा राजू भाई, क्या समस्या है आपकी? समस्या है ये, जो हमारा मकान है उसके किनारे सड़क है, मकान तक खरंजा है जी, खरंजा आज दिन पानी भरा रहता है जी। टाइम मतलब जो है प्रधान नाला सही नहीं कराया है, और जो नाला सही कराया है उसको जो है गहरा करा दिया, और एक तरफ बनाया ही नहीं, आधा छोड़ दिया। अच्छा, और दूसरी बात ये यहाँ से मतलब उसको इतना गहरा कर दिया कि पानी भर जाता है यहाँ पे, और वो ईंटें जहाँ से उखाड़ के ले गया अपने वहाँ पे, तो घर बना दिया जाके, यहाँ से ईंट उखाड़ के ले गया घर बना दिया। अच्छा, जो सड़क की सरकारी सड़क की ईंटें वो प्रधान अपने घर पे उखाड़ के ले गया, घर पे ले गया, वहाँ पे जो अपना एक बरी है, देवी है जी, वहाँ पे जाके मंदिर के पास घर बना दिया। आपकी जो यहाँ जो नाली भरी हुई है यहाँ, इसके लिए आपने शिकायत की थी प्रधान से? हमने कहा, उसने कहा ये नहीं बनाएंगे, ये हमारे पास कुछ नहीं, वो नहीं, हम बिल्कुल बनाएंगे नाली ही नहीं। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान राजकुमार। राजकुमार, गांव का नाम? क्या नाम है आपका? आशा बेगम। पति का नाम? अफरोज अली। गांव? अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि मतलब प्रधान जो है कि कॉलोनी वाली तो दिया नहीं, छप्पर में रह रहे। अच्छा, कितने साल हो गए आपको छप्पर रहते हुए? 30-35 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। तो आप प्रधान के पास गई थी? गई थी, प्रधान ने फार्म भी भरा था, मतलब कभी होली पे आएगा, कभी दिवाली पे आएगा, ऐसे मतलब छुट्टी कराई, काम भी करेंगे, अगर हम खुद काम के लिए बुलाए तो काम भी करने गई। आज था कि हमें कॉलोनी मिलेगा जी, कॉलोनी तो कुछ मिला नहीं। आपके पति ने काम किया प्रधान के यहाँ? कितने टाइम? जब बुलाया तब गए। 4 साल। उसके बाद में आपको कॉलोनी के लिए बुलाया, आपका फार्म भरवाया और आपको कॉलोनी नहीं दी? नहीं दी कॉलोनी। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं मतलब कि अभी नहीं आया, जो लिस्ट पास नहीं भैया, लिस्ट नहीं आया। अगर कोई वक्त आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, फिर भी दरवाजे नहीं आते हैं। कोई अगर मुसीबत आ जाए ना, तो दरवाजे नहीं आते हैं। ऐसे प्रधान है यहाँ। रुखसाना बेगम, क्या कहना चाह रही हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग 15 साल से हम लोग रह रहे हैं, एक भी कॉलोनी नहीं दी प्रधान ने, का फायदा हम लोगों को वोट देते हुए? और कोई समस्या आपकी? क्या समस्या? का यही समस्या है, बता दीजिए ना। यहाँ पे प्रधान ही नहीं, गरीबन के नहीं है, पैसा प्रधान है, मतलब कि इतने घर में भरे, हमारे घर में तो पैसा बोर्ड है, बता रहे हैं वो करेंगे, और गरीबन की वो नहीं करते हैं। हमारे घर में तो बहुत ही सपोर्ट आएंगे, सपोर्ट दे देंगे, सबसे ज्यादा वोट हमारे लोगों के घर में है। और कॉलोनी क्या मतलब, जो मतलब गरीब है उसके लिए कॉलोनी है ही नहीं, अमीर उसके लिए कॉलोनी है। हमारे 7-7 बच्चे हैं, उनके सब जो झोपड़ी। क्या नाम है आपका? लावन बेगम। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि कई साल हो गए भैया, रात कोई उन्हें मेरी खबर नहीं ले कर रही, कॉलोनी की वजह से। अच्छा, जो अपने कर रहे, कमाए रहे, खाए रहे। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे। आप प्रधान के पास गई थी? हाँ, फार्म भरवाया था? सब भरेगा, लैटरिन फैटरिन कुछ भी नहीं आया,